अब हम निकालना सीखेंगे हाउ टू फाइंड पी आई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको यहाँ पे दिया रहेगा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? इक्वल्स टू के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एक फॉर्म दिया होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे तुमको दिया ई की पावर 4x दिया हुआ है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे पी आई निकालते वक्त। देखो पी आई निकालते हो क्या करना, यहाँ आपके पास जो दिया हुआ है उसको अब लिखो 1 अपॉन, मैं लिखूँ दैट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 लिख दिए। और यहाँ आपको जो दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखो ई की पावर 4x, ठीक है? मतलब इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जब आपके पास ये दिया होगा सिंगल दिया होगा ऐसे सिंपल दिया होगा ई की पावर 4x दिया होगा, तो अब क्या करना, यहाँ पे आपका x का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको आप क्या करो d की जगह पे उसको आप रिप्लेस कर दो। तो देखो क्या होगा, ये दिस विल बी, देखो क्या होगा 1 अपॉन दिस इज d, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 into 4 plus 6। यहाँ पर तो अब क्या रहेगा ई की पावर 4x रहेगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। दिस इज हाउ मच, दिस इज सॉल्व करो इसको, दिस इज हाफ एंड दिस इज ई की पावर 4, दिस इज 4x, ठीक है? दिस इज आंसर। आया समझ में? वैसे आपको मान लो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निकालने के लिए डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू साइन 3x। वहाँ पे तुम्हारा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे तुम्हारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना? देखो पी आई क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन इसको लिख लो दैट इज डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और यहाँ पे लिख लो साइन 3x जो आपको यहाँ पे दिया उसको आप यहाँ पे रख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आप क्या करोगे, जब जहाँ पे आपको डी स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, डी स्क्वायर की जगह आप बताओ क्या पुट करोगे, x का कोएफिशिएंट रहेगा उसका नेगेटिव फॉर्म विथ स्क्वायर, ठीक है? मतलब देखो उसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो किससे रिप्लेस करूँगा मैं, पहले आप लिखोगे नेगेटिव, फिर आप आएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज 3, यहाँ पर लिख दो स्क्वायर, ठीक है? फिर बाकी को आप एज इट इज रखोगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग डी स्क्वायर वाले फॉर्म को अपन चेंज कर सकते हैं, डी को अपन चेंज नहीं कर सकते, डी को अपन एज इट इज रखेंगे दैट इज माइनस 5d प्लस 6। यहाँ बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे साइन 3x, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं क्या किया, आपको जो डी स्क्वायर दिया था वहाँ मैं क्या करूँगा बताओ, 3 को वहाँ पे रखूँगा विथ नेगेटिव फॉर्म और उसका स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो तो दिस विल बी 1 अपॉन माइनस 5d माइनस 3, ठीक है? यहाँ पे लिख दो साइन 3x। अब इस नेगेटिव में ऊपर ले आता हूँ दैट इज माइनस 1 अपॉन दिस इज 5d प्लस 3, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा साइन दिस इज 3x, ओके? अब देखो यहाँ पर को दिया हुआ 5d प्लस 3, अब इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए डी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो अब क्या करो रैशनलाइज कर लो इसको, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन 5d प्लस 3 इंटू 5d माइनस 3 अपॉन 5d माइनस 3, यहाँ पे लिख दो साइन 3x। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज हाउ मच, इसको रखोगे तो क्या होगा देखो तुम्हारा 5d प्लस दिस इज 3, और नीचे बताओ तुम्हें क्या आएगा 25d स्क्वायर माइनस 9, ठीक है? इसको यहाँ पे लिख दो दिस इज इंटू साइन 3x। अब इसको सॉल्व करो बताओ तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे, ये डी स्क्वायर की जगह पर मैं बताओ क्या पुट करूँगा माइनस 5d प्लस 3 अपॉन, देखो यहाँ तुम्हारा क्या आएगा 25 रहेगा, डी स्क्वायर मतलब यहाँ पे तुम्हारा आएगा नेगेटिव वाला फॉर्म आएगा, और फिर यहाँ देखो तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? फिर यहाँ पे माइनस 9 लिख दो, और यहाँ बताओ तुम्हें क्या रहेगा साइन 3x रहेगा, ठीक है? फिर अब क्या करना, इसको यहाँ पे लिख दो माइनस 5d, अच्छा एक काम करो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो तो दिस इज माइनस 5d माइनस 3 हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, इसको सॉल्व करो यू विल गेट माइनस 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिख दो साइन 3x, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ तुम्हारा, देखो तो कैंसिल हुआ, तो ये बताओ क्या क्या डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे आपको एक d बचा हुआ है, तो देखो आप क्या करेंगे इसको अपन एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो देखो इसको कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं 5d अपॉन 234, यहाँ पे लिखूँगा मैं साइन 3x, ठीक है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 3 साइन 3x अपॉन 234 आएगा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है? अब देखो
डी मतलब उसको अपन डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो देखो तुम्हें क्या हो जाएगी, ये बताओ तुम्हें क्या होगा, साइन थ्री एक्स का होगा तुम्हारा, कॉस थ्री एक्स होगा तुम्हारा यहाँ पे, और थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, फाइव इंटू थ्री कॉस थ्री एक्स, यहाँ बताओ तुम्हें क्या रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन टू थर्टी फोर। तो यहाँ पर बताओ क्या करोगे, वन अपॉन टू थर्टी फोर कॉमन निकाल लो, यहाँ बताओ तुम्हें क्या रहेगा, फिफ्टीन कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स, दिस इज माई पी आई। ठीक है, थैंक यू।